मम्मी आप 50 रुपए की सब्जियां 20 रुपए में कैसे ले लेते हो? यही तो कमाल है भारतीय मम्मियों का। देखा तूने, तेरी मम्मी ने बिग बाजार सेल का कितना अच्छा फायदा उठाया, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां कितने सस्ते में मिल गई। हाँ वो सब तो ठीक है मम्मी, पर ये सब्जियां तो हमारे घर के पास में भी मिलती हैं, तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, मेरे पैरों में दर्द हो गया। मिलती पर इतने सस्ते में थोड़ी ना मिलती। छोड़, तू ये बातें अभी नहीं समझेगी, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब समझेगी। अच्छा जरा पकड़ियो सब्जियां, मेरे ना हाथ थक गए। अरे मम्मी ये सब्जियां तो कितनी भारी हैं, ऐसे तो मेरा हाथ दर्द हो जाएगा, मैं कैसे चलूंगी घर तक। अच्छा अच्छा दे दे, थोड़ी दूर की बात है, मैं ही पकड़ लूंगी, तू ना परेशान मत हुआ कर, चल। मम्मी भी ना सही कहती थी कि कुछ चीजें तुझे शादी के बाद ही पता चलेगी, देखो अब चल रहा है पता। से मैंने 200 रुपए की सब्जियां 100 रुपए में ही ले ली बार्गेनिंग करके। यार घर तो यहाँ से काफी दूर है, रिक्शा कर लूँ क्या? नहीं नहीं पैदल ही चले जाती हूँ, खामखा 30 रुपए खर्च हो जाएंगे। सिब्बू बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? उठ। अरे मम्मी क्या है? सूरज ना सर पे चढ़ाया, उठ जा जल्दी उठ। मम्मी थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। उठ जा जल्दी से, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, उठ 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 उठ। नहीं क्या होगा इस लड़की का, ले कॉफी पकड़ अपनी पकड़ और फिनिश कर ले जल्दी से, तेरा पानी गर्म कर दिया मैंने, ठीक है नहा लेना जाके। ओहो सही से गिर जाएगी, पी ले पी ले। पीहू यशु उठ जाओ बेटा, यशु पीहू जल्दी उठो उठो। अरे मामा थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे बेटा प्लीज उठो जल्दी, स्कूल जाना है, जल्दी उठो। यशु उठ जा जल्दी, बेटा जल्दी उठ, बेटा जल्दी उठो जल्दी, यशु जल्दी उठो, स्कूल के लेट हो जाएंगे, स्कूल नहीं जाना क्या? उठो चलो 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 चलो। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो यशु जल्दी से ब्रश करो। बेटा खड़े हो, मुंह खोलो फटाफट, मुंह खोलो, ब्रश करो ब्रश करो। मम्मा अरे नहीं करना। अरे बेटा कर लो फटाफट, ब्रश करो ब्रश करो, देखो दांतों में कैविटीज हो जाएंगी, फटाफट ब्रश करो। गुड गर्ल। मामा मामा इसमें से ये निकाल दो। हाँ हाँ ये। जल्दी से आ जाओ, चलो 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 आजो आजो आजो, कपड़े पहनो जल्दी जल्दी। अरे बीहू शैतान, यशु नो यशु, यशु जल्दी जल्दी, यशु जल्दी आओ फटाफट, आजो आजो आजो, कपड़े निकालो ये फटाफट। मैं रद आ रही हूँ, आ जा ले 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 तो पहना दूँ, चलो जाना है। बेटा अभी तुम प्ले स्कूल में हो, बड़े हो जाओ तब तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनाएंगे, आ जाओ आ जाओ।
कितनी ठंडी चाय है ये। लगता है शादी के बाद मेरे नसीब में गर्म चाय है ही नहीं। मम्मी हेलो 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 इंस्टू क्यूटी क्यूटी ये ले बेटा खाना खा ले। ये क्या मम्मी फिर से चावल? मैंने आपको बोला था ना कि मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। ओहो मैं तो मार्केट से गोभी लाना ही भूल गई। कोई नहीं बेटा आज खा ले कल मैं गोभी के पराठे बना दूंगी। नहीं मम्मी मुझे गोभी के पराठे ही खाने हैं बस। जिद करती है समझा रही हूँ बेटा आज खा ले कल बना दूंगी गोभी के पराठे। फिर रहने दो फिर मुझे खाना ही नहीं खाना। मैं खाऊंगी तो गोभी के पराठे खाऊंगी वरना खाना ही नहीं खाना। तू ना बहुत जिद्दी हो गई है अब भूखा थोड़े रहने दूंगी। ठीक है बना रही गोभी के पराठे। इंस्टा इंस्टा गोभी के पराठे खाएंगे इंस्टा दोनों गोभी के पराठे खाएंगे। मम्मा भूख लगी है खाना दो। मम्मा मम्मा भूख लगी है खाना दो। मम्मा मम्मा खाना दो भूख लगी है खाना दो। मम्मा मम्मा खाना दो मुझे भूख लगी है। अरे हाँ हाँ बेटा ला रही हूँ ला रही हूँ। अरे मम्मी जल्दी दो ना भूख लगी है। जी आ गई बाबा आ गई। लो सब्जी चावल जल्दी से खा लो बेटा। नहीं मुझे मैदे डालने हैं। लो बेटा तुम खा लो। ये क्या मम्मी फिर से सब्जी चावल? मैंने आपको बोला था ना मुझे सब्जी चावल नहीं खाने मुझे मुझे मैगी खानी है। अच्छा बेटा तुम खा लो। लो लो ये खाओ। अरे बेटा डेली डेली मैगी नहीं खाते मैगी से पेट में दर्द हो जाता है। कोई दर्द नहीं होता मुझे मैगी खानी है। ठीक है मैं तुम्हारे लिए मैगी बना के लाती हूँ। सिब्बू बेटा जरा एक ग्लास पानी देना। अभी लाई। अरे मम्मी वो ग्लास कहाँ है? पापा को पानी चाहिए। वही होंगे बेटा किचन में और कहाँ होंगे जा देख ले। अरे मम्मी मैंने किचन में देख लिया एक भी ग्लास नहीं है पता नहीं कहाँ रख देते हो आप। ओहो मुझे याद आया बेटा सारे ग्लास गंदे हैं सिंक में होंगे। एक काम कर एक ग्लास धो ले और अपने पापा को पानी देते जा। क्या मैं ग्लास धो लूं? एव नो नेवर मैं कभी बर्तन नहीं धो सकती। अरे मम्मी मैंने कल ही अपने नेल एक्सटेंशन करवाया है यार खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी तू बैठ के काम कर अपना मैं दे देती हूँ। Eggs Benedict with Hollandaise caviar on omelette. Kidney beans on brisket. Sunny side up fried eggs. And sausages on the side. Hash browns and sun-dried tomatoes. सिब्बू बेटा। हाँ मम्मी। मैं ना कपड़े लगाने जा रही हूँ तेरे कोई ड्रेसेस है ना मुझे दे दे तेरे भी हाथ लगे हाथ तो लगा देती हूँ दे। हाँ मम्मी है तो सही कुछ कपड़े रुको मैं भी लाती हूँ। ला दे ये रहे मम्मी कपड़े। हे राम ये कुछ कपड़े हैं कपड़ों का पहाड़ कितने सालों से नहीं धुले तेरे कपड़े ला दे। आ,
सिब्बू मेरी चाय कहाँ है यार? हाँ अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है तो मेरा नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं? हाँ हाँ आप चाय खत्म कीजिए, मैं तब तक पानी आपका गर्म कर देती हूँ। चलो आज का सारा काम खत्म। सिब्बू बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए है या खाली पेट ही जाना पड़ेगा ऑफिस? हाय राम, खाना बनाना तो भूल ही गई, अभी कहां सारा काम खत्म हुआ। हाँ हाँ अभी लाई, बस 5 मिनट में। यार कढ़ाई कहाँ है? ओ शिट, पे यार खाना तो बाद में बनेगा, पहले ये गंदे बर्तन धोऊं कल रात के। बस फोन लेकर नचनिया बन लो, शर्म तो आती नहीं है। माँ बाप ने इतनी मेहनत से फोन दिलाया है तो ये नहीं कि पढ़ाई में कुछ यूज कर लो। रील्स बनाएंगे रील्स, कमबख्त टिकटॉक बैन हुआ तो रील्स चालू हो गए। बेटा ये रील्स बनाकर बॉलीवुड में काम तो मिलने वाला है नहीं तुझे, बैठकर पढ़ाई कर ले, रील्स बनाएंगी बस। यार क्या है मम्मी, इतने दिनों बाद बस एक रील्स ही तो बना रहे हो आप, उसमें भी मुझे इतना सुनाया जा रहे हो। चुप मोबाइल कर, बहुत मुंह चलने लगा आजकल तेरा। मम्मी मुंह कहाँ चला रही हूँ, बस मैं तो आपको बता रही हूँ। चुप, मना कर रही हूँ फिर भी मुंह चलाई जा रही है, बोल रही हूँ ना चुपचाप से बैठ जा, मुंह मत चलाया कर ज्यादा। बहुत जबान चलने लगी आजकल तेरी, ज्यादा कंगना रणावत बनने की जरूरत नहीं है, बैठ चुपचाप बैठ। चल अब अपनी बड़ी वाली मौसी को फोन लगा के दे। ठीक है मम्मी लगाती हूँ, पर थोड़ा जल्दी बात खत्म करना। आपको याद है ना लास्ट टाइम आपने कितनी घंटों तक बातें की थी, रात से लेके सुबह हो गई थी। हाँ हाँ अपनी माँ को मत सिखा, फोन दे। हेलो दीदी कैसे हो? क्या बताऊँ दीदी, बुरे हाल हैं। आपको तो पता ही है दीदी क्या हो गया। अरे दीदी ये बच्चे हैं ना पूरे दिन अपने में लग रहते हैं, पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं है, इतना पैसा लग गया इनकी पढ़ाई में लेकिन पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। और इनके पापा सुबह चले जाते हैं सुबह और रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे पता नहीं कब आते हैं। मैं ना पूरे दिन अकेले रह रहे के बोर हो चुकी हूँ और काम घर का खत्म ही नहीं होता है, बस लगी रहती हूँ। मैं ना बहुत ही परेशान हो गई हूँ दीदी इन लोगों से, तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मम्मी लोग घंटों घंटों ऐसी फोन पे क्या बातें करती हैं। अगर आपको समझ में आया ना तो नीचे कमेंट करके बता दो। हाँ।
हाँ मैं तो पागल हूँ ना, सबसे पहले इस घर में उठो, उसके बाद सबके लिए खाना बनाओ और किसी को कुछ बोलो भी मत। वाह सही है, बेटा भी ऐसा और माँ भी ऐसी। अरे बहू जरा मेरे लिए कप चाय तो बना दे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लो नाम लिया नहीं कि हो गई शुरू। अरे बहू कहाँ रह गई? हाँ मम्मी जी आई अभी। एक तो ये फैंसी ड्रेस पहन के और घूमना पड़ता है। जी मम्मी जी मैं अभी आपके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला बेटा। चाय बना दे, ये बना दे, वो बना दे, पूरा दिन नौकरों की तरह इन माँ बेटों की गधा मजदूरी करते रहो, फिर भी इनको खुशी नहीं मिलती। जिंदगी तो बिल्कुल झंड हो गई है इससे शादी करके। थोड़ी देर मम्मी से कॉल करके बात कर लेती हूँ, कितने दिनों से चुगलियां नहीं की। हेलो मम्मी। हाँ बेटा कैसी है तू? अरे मम्मी पूछो मत, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल झंड हो चुकी है। क्या हुआ बेटा बता तो। अरे मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको, आप ये पूछो क्या नहीं हुआ। ये मेरी सास है ना बुढ़िया, या अच्छा मम्मी चलो ठीक है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। यार मम्मी खाना बनने में और कितनी देर लगेगी, प्लीज जल्दी खाना दो ना, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ ला रही हूँ अभी बस बन गया खाना। मुझे पता है इस घर में सबसे पहले तुझे ही भूख लगती है, तेरे लिए निकाल रही हूँ खाना, रुक जा थोड़ी देर। आफत मचा रखी है तूने तो, ये ले। मम्मी एक रोटी और दो ना प्लीज। हाँ हाँ लाई, एक क्यों दो ले तू, ये ले ये ले। वैसे मम्मी एक बात तो बताओ, आप मेरे पापा और भाई के साथ कभी खाना क्यों नहीं खाते हो, आप हमेशा हम सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाते हो। बेटा ये बात तू अभी नहीं समझेगी, जब तेरी शादी और बच्चे हो जाएंगे ना तब समझेगी तू। हाँ बेटा बस बन गया खाना, बस अभी देती हूँ। ले बेटा तेरा खाना। मम्मा आपका खाओगी खाना, आपकी प्लेट कहाँ है? नहीं बेटा तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी सबके खाने के बाद। हाँ मम्मा याद आया, आप तो हम सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाते हो। हेलो मम्मी आपने खाना खाया क्या? माँ के हाथ से बनी रोटी बहुत याद आती है,
जब खुद के हाथ से रोटी बनानी पड़ जाती है।